सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम किरणमयी है और मैं नवमी कक्षा से हूँ। आज मैं सतत विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है तथा जो विकास के लिए जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है उसे सतत विकास कहा जाता है। क्या आपको पता है सतत विकास क्यों जरूरी है? चलिए जानते हैं। सतत विकास हम सबके लिए सम्मान, न्याय संगत, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहने योग्य विश्व का निर्माण करने के लिए और भावी पीढ़ी के संसाधनों के संरक्षण हेतु जरूरी है। सतत विकास के तीन तत्व है। पहला धन संपदा, दूसरा समाज, तीसरा पर्यावरण। शब्द सतत विकास का प्रयोग पहली बार वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी द्वारा किया गया था जिसे प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 1980 में प्रस्तुत किया था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना उसे पूरा करना। सतत विकास की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। यह मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करता है। यह हमें सभी जीवन रूपों का सम्मान और देखभाल करना सिखाता है। वित्तीय संसाधन जुटाना, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकसित देशों को विकासशील देशों की वित्तीय सहायता में योगदान देना चाहिए ताकि वे अपने सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा कर सके। प्रौद्योगिक का स्थानांतरण, उन प्रौद्योगिक और ज्ञान का साक्षात्कार करना भी सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित देशों को अपनी उन्नत तकनीकों को विकासशील देशों के साथ साक्षात्कार करना चाहिए ताकि वे पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। धन्यवाद।